हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरे येलो वाटर लिली के प्लांट्स हैं। फ्रेंड्स कमेंट में पूछा गया कि जो वाटर लिलीज है तो इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है और इनके फ्लावरिंग का सीज़न कब होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो सीज़न अब शुरू हो रहा है बारिश का सीज़न, और ठंड में जो है वाटर लिली में फ्लावरिंग होती है। और कई सारे वाटर लिलीज होते हैं जो कि गर्मी के दिनों में अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते और इनकी जो ग्रोथ है काफ़ी कम हो जाती है, पत्ते भी छोटे हो जाते हैं। तो अब जैसे बारिश का सीज़न शुरू होने पर हमने इसमें खाद देनी है, तो खाद हम किस तरह से दें वो आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, और मैंने भी परसों के दिन ही इसमें खाद दी है। तो अब धीरे धीरे हमें कुछ दिनों में इसमें खाद का असर दिखाई देगा और उसके बाद हमें इसमें फ्लावरिंग भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख रहे हैं कि मेरे जो ये वाटर लिली के प्लांट्स हैं इनमें किसी भी टब में अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो हमारे टब में वाटर लिलीज लगे होते हैं इनमें जो जगह होती है वो कम होती है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जो वाटर लिली है पॉन्ड में लगा हुआ वो कैसा है। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो है मेरे पॉन्ड में लगी हुई वाटर लिली है, ये भी येलो वाटर लिली है। तो और इसमें यहाँ फ्लावरिंग हो रही है, देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसमें एक साथ दो फूल खिले हुए हैं, और इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि इसमें कितने अच्छे और ये बड़े बड़े लीव्स आए हुए हैं। और ये एरियल लीव्स देखिए, कितने सारे एरियल लीव्स हैं। क्योंकि जिस तरह से लोटस में एरियल लीव्स होते हैं, यानी कि फ्लावरिंग से पहले एरियल लीव्स आते हैं, उसी तरह से इस येलो वाटर लिली में भी फ्लावरिंग से पहले हमें ये एरियल लीव्स दिखाई देते हैं, उसके बाद ही इसमें फ्लावरिंग होती है। तो इसका कारण ये है कि पॉन्ड में हमारे जो वाटर लिली है इसे बहुत ज़्यादा जगह मिल रही है, उसी के हिसाब से इसके पत्ते भी बड़े हैं और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे जो प्लांट्स होते हैं तो उन्हें भी हम जितना अच्छा से देखभाल करेंगे, जितनी जगह मिलेगी उतना वो भी खुश रहेंगे और उतनी ही अच्छी उसमें फ्लावरिंग और ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही आप ये देखिए कि हम इस पॉन्ड में हमने दो पार्टीशन कर दिए हैं, और एक तरफ हमने येलो वाटर लिली लगाई है और एक तरफ ये है पिंक वाटर लिली। और आप इसे भी देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। फिलहाल अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और बाकी इसमें इसमें भी इस तरह से एरियल लीव्स जो है आना स्टार्ट हो गई है। कुछ ही दिनों में हमें इसमें भी फ्लावरिंग दिखाई देगी, और उसके बाद इसमें फ्लावरिंग होती है तो फिर उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी कुछ मेरे येलो वाटर लिली जो है टब में लगाई हुई है। तो मेरे पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि टैंक में से मैंने जो है वाटर लिली के कुछ प्लांट्स निकाले थे, तो उसमें से ही कुछ प्लांट जो है मैंने इस टब में, और ये जो बाल्टी दिख रही है आपको बकेट, इसमें इस तरह से सभी दूर लगा दिए थे। तो हमारा एक भी प्लांट जो है वो ख़राब नहीं हुआ, उनमें सभी में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और मैंने इससे पहले भी अभी आपको जो टब में प्लांट बताए हैं तो मैंने उसमें भी कुछ प्लांट इस टैंक में से ले जा करके लगा दिए थे। तो इसमें जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, और इसमें पहले भी एक फूल खिला था और उसके बाद इसमें दूसरी बार ये बर्ड आई है। और फ्रेंड्स अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।